बीकॉम पार्ट सेकंड पेपर व्यावसायिक प्रशासन सेकंड एमडीएस यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम अनुसार उद्यमिता के आधारभूत तत्व में हम उद्यम का उपक्रम का प्रवर्तन पढ़ रहे थे। उसमें हमने इसे की प्रक्रिया में उपक्रम के प्रवर्तन की प्रक्रिया में यानी उपक्रम को शुरू करने के लिए पहला हमने बात करी थी अवसरों की खोज करना। अवसरों की खोज करना आज हम दूसरे प्रक्रिया के दूसरे चरण पे बात करेंगे, वो है अवसरों का विश्लेषण एवं मूल्यांकन करना। अवसरों का विश्लेषण और मूल्यांकन करना दूसरा चरण है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि उद्यमी को अवसरों की उपलब्धता की अवधि देखना पड़ेगा। उद्यमी को सबसे पहले ये देखना चाहिए कि कोई अवसर कितने समय तक उपलब्ध रह सकता है। किसी अवसर का लाभ तभी उठाया जा सकता है जबकि वह अवसर कम से कम उस अवधि के बाद तक उपलब्ध रहे जितनी अवधि उस अवसर का लाभ उठाने हेतु उपक्रम की स्थापना में लगती है। क्योंकि वो उपलब्धि जो है उपक्रम की स्थापना के बाद तक चलती रहनी चाहिए और वो अवसर ही खत्म हो गया तो उपक्रम लगाने का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। फिर है अवसरों का वास्तविक एवं अनुभूति मूल्य, रियल एंड परसीव्ड वैल्यू। अवसरों का मूल्यांकन करने के लिए प्रत्येक अवसर के वास्तविक मूल्य यानी वास्तविक उपयोगिता तथा अनुभूति मूल्य अनुभव सिद्ध उपयोगिता का आकलन भी करना चाहिए। तीसरी जो बात ध्यान में है वो रखनी चाहिए, जो आधार है वो है तत्पश्चात उद्यमी को उपलब्ध अवसरों के अधीन उत्पादित उत्पाद या सेवा की मांग एवं उसके बाजार क्षेत्र का आकलन करना पड़ता है। इस हेतु उसे बाजार अनुसंधान करना चाहिए। फिर है अगली जो बात आती है, चौथी बात जो आधार है, अवसरों का मूल्यांकन करने के लिए संसाधनों की उपलब्धता पर भी विचार करना पड़ता है। कुछ संसाधन संस्था के पास विद्यमान हो सकते हैं तथा कुछ अन्य बाद में भी क्रय किए जा सकते हैं, किंतु सभी दशाओं में अवसरों का लाभ उठाने के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध होने ही चाहिए। यहाँ संसाधनों से तात्पर्य वित्तीय, भौतिक, मानवीय, तकनीकी, सूचनात्मक आदि सभी संसाधनों से है। ये सब संसाधन जो है वो उपक्रम के लिए आवश्यक हैं। फिर है क्षमता एवं कौशल की उपलब्धता। अवसरों का मूल्यांकन करने के लिए उद्यमी को उपलब्ध क्षमता एवं कौशल का आकलन भी कर लेना चाहिए। इस हेतु उद्यमी को उपलब्ध क्षमता एवं कौशल की विशेषताओं, शक्तियों तथा कमियों, शॉर्ट एनालिसिस जिसे कहते हैं, का अवसरों के संदर्भ में विश्लेषण भी कर लेना चाहिए। फिर है जोखिम एवं प्रतिफल का आकलन। अवसरों का मूल्यांकन करने के लिए प्रत्येक अवसर में निहित जोखिम एवं उससे प्राप्त होने वाले प्रतिफल का आकलन भी करना पड़ता है। जोखिम का आकलन करने के लिए बाजार परिस्थितियों, प्रतिस्पर्धा की स्थिति, पूंजी निवेश की राशि, तकनीकी के प्रयोग संबंधी तत्वों को ध्यान में रखा जाता है। पूंजी निवेश पर जो लाभ प्राप्त होता है वह प्रतिफल होता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि जोखिम की परिस्थितियों में लगाई गई पूंजी पर प्राप्त होने लाभ का आकलन करना ही जोखिम एवं प्रतिफल का आकलन कहलाता है। कभी कभी किसी अवसर का मूल्यांकन तब भी किया जाता है जबकि उस अवसर में से वर्तमान में कोई लाभ नहीं होता है। ऐसा तब किया जाता है जबकि इस अवसर के परिणाम स्वरूप भविष्य में अन्य कई अवसरों से लाभ प्राप्त होने की संभावना होती है। फिर है और बहुत महत्वपूर्ण बात है, वो है कि अवसरों का प्रतिस्पर्धी स्थिति का आकलन। विभिन्न अवसरों का मूल्यांकन करने के लिए अवसरों का प्रतिस्पर्धी स्थिति के संदर्भ में विश्लेषण किया जाता है। कुछ अवसरों पर लाभ प्रतिस्पर्धियों की तुलना में शीघ्र ही उठाया जा सकता है। ऐसे में उद्यमी उन अवसरों में बाजी मार सकता है और अधिक लाभ कमा सकता है, परंतु सभी अवसरों से इस प्रकार का लाभ नहीं मिलता है। फिर है वातावरण के घटक का एनालिसिस करना। विभिन्न अवसरों का मूल्यांकन करने के लिए प्रत्येक अवसर का वातावरण के
विभिन्न घटकों के संदर्भ में भी विश्लेषण किया जाना चाहिए। वातावरण के विभिन्न घटकों में आर्थिक, सामाजिक, जनांकिकी, राजनीतिक, वैधानिक, प्रौद्योगिकीय, अंतर्राष्ट्रीय आदि घटकों को सम्मिलित किया जाता है। वातावरण के इन सभी घटकों का प्रत्येक अवसर की सफलता पर कितना एवं किस सीमा तक प्रभाव हो सकता है, इस बात का आकलन एवं विश्लेषण भी करना चाहिए। यह उल्लेखनीय है कि नए अवसरों को प्रायः सरकार की आर्थिक नीतियां तथा संनियम यानी लॉज, बाजार की प्रतिस्पर्धी स्थिति, उपभोक्ता की आय, आयु, इच्छा, उसकी पसंद नापसंद, सामाजिक रीति रिवाज, सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्य आदि अधिक प्रभावित करते हैं। अतः इनके संदर्भ में अवसरों का विशेष विश्लेषण एवं मूल्यांकन किया जाना चाहिए। अवसरों का वातावरण के घटकों के प्रभावों का विश्लेषण करने के लिए उद्यमी सामान्यतः है वातावरण संकट एवं अवसर रूपरेखा या विवरण तैयार कर लेते हैं। उसमें थ्रेट है, अपॉर्चुनिटी है और प्रोफाइल है, इसकी एक प्रोफाइल है। तो ये एनवायरमेंटल थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी प्रोफाइल और ETOP, इस रूपरेखा विवरण पत्र में वातावरण के विभिन्न घटकों का प्रत्येक अवसर पर पड़ने वाले प्रभावों का व्यवस्थित विवरण दिया जाता है। ये कार्य कर लेने के उपरांत उद्यमी एक अवसर विश्लेषण जो है अपॉर्चुनिटी एनालिसिस स्टेटमेंट और प्लान तैयार करता है और इसमें कुछ बातों का समावेश करता है। कौन सा? निर्मित या उपलब्ध किए जाने वाले उत्पाद या सेवा का विवरण, उद्यमी एवं उसकी टीम के सदस्यों द्वारा अवसरों का मूल्यांकन, अवसरों को क्रियान्वित करने हेतु आवश्यक संसाधनों की जाने वाली क्रियाएं, उपक्रम के लिए वित्तीय संसाधन के स्रोत। उद्यमी एवं उसकी टीम के सदस्य अवसरों के मूल्यांकन के समय कुछ बातों पर विचार करते हैं। क्या विचार करते हैं कि वो पहले ये देखते हैं इससे बाजार की कौन सी समस्या का समाधान होगा या आवश्यकता की पूर्ति होगी। दूसरी बात ये देखते हैं कि बाजार की आवश्यकता के संबंध में अब तक के अवलोकन क्या संकेत देते हैं, पॉजिटिव हैं क्या या एडवर्स हैं। तीसरा, बाजार मांग किन सामाजिक कारणों से प्रेरित है। चौथा, वो विचार करते हैं कि बाजार मांग के संबंध में शोध करके किस प्रकार के आंकड़े एकत्र किए जा सकते हैं। पांचवा, ये विचार करते हैं कि इस मांग की पूर्ति में क्या किसी पेटेंट या कॉपीराइट अधिनियम के अधीन अधिकार प्राप्त किए जा सकते हैं। पांचवा, इस बात का विचार करते हैं कि बाजार में उपलब्ध प्रतिस्पर्धा एवं उसकी प्रकृति किस प्रकार की है। छठा, ये विचार करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग की स्थिति क्या है, यानी अंतर्राष्ट्रीय अगर मतलब स्तर का काम है तो उपक्रम है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा की स्थिति और प्रकृति किस प्रकार की है। तो उसके ये जो है अवसरों का विश्लेषण मूल्यांकन करता है। फिर इसके बाद में आता है अगला चरण, वो आता है प्रारंभिक तैयारियां करना। तो इसके भी कुछ इसमें बातें हैं प्रारंभिक तैयारियों में। पहली बात है उद्देश्य तथा कार्यक्षेत्र का निर्धारण। उपक्रम की स्थापना का निर्णय लेने के बाद सर्वप्रथम उपक्रम के कुछ आधारभूत उद्देश्यों को निर्धारित किया जाता है। इन उद्देश्यों में आर्थिक एवं सामाजिक दोनों ही प्रकार के उद्देश्य सम्मिलित किए जाते हैं। इन उद्देश्यों के आधार पर ही उपक्रम के संपूर्ण कार्यों का संचालन किया जाता है। उपक्रम के उद्देश्यों के साथ साथ उद्यमी को उपक्रम के क्षेत्र को भी निर्धारित कर लेना चाहिए, क्षेत्र भी हो ना। फिर है किसी उत्पाद या सेवा का चयन। अवसरों का मूल्यांकन करने के बाद उसे किसी उत्पाद या सेवा अथवा किन्हीं उत्पादों एवं सेवाओं का चयन कर लेना चाहिए जिनका उत्पादन या वितरण करने के लिए वह उपक्रम स्थापित करना चाहता है। वह इन उत्पादों सेवाओं के उत्पादन वितरण का निर्णय कर सकता है जिन्हें मूल्यांकन में सर्वश्रेष्ठ पाया जाता है। इसके अतिरिक्त वह अपनी रुचि या अभिरुचि का भी उत्पादों सेवाओं के चयन में ध्यान रख सकता है। फिर है उपक्रम के आकार का निर्धारण। जब उद्यमी उपक्रम की स्थापना का दृढ़ निश्चय कर लेता है तो वह उसे उपक्रम के आकार को भी निर्धारित करना चाहिए। उसे अब उपक्रम का आधार बड़ा, छोटा या मध्यम श्रेणी का हो सकता है, किंतु प्रत्येक उपक्रम का आकार अपने संसाधनों तथा अपनी प्रबंधकीय क्षमता को ध्यान में रखकर निश्चित करना चाहिए। प्रत्येक स्थिति में उपक्रम का आकार
अनुकूलतम यानी ऑप्टिमम होना चाहिए। उपक्रम के अनुकूलतम आकार से तात्पर्य ये है जिसके अंतर्गत उपलब्ध संसाधनों का सर्वश्रेष्ठ तरीके से उपयोग किया जा सके तथा न्यूनतम लागत पर अधिकाधिक कुशलता के साथ उपक्रम का संचालन किया जा सके। फिर है स्वामित्व के प्रारूप का चयन। उपक्रम के आकार पर विचार कर लेने के बाद ही उद्यमी को स्वामित्व के प्रारूप को या स्वरूप को कौन से फॉर्म में बिजनेस चलाएंगे निर्धारित करना चाहिए। निजी क्षेत्र में स्वामित्व के अनेक प्रारूप हैं जैसे एकाकी स्वामित्व, साझेदारी कंपनी आदि। उद्यमी को इनमें से किसी एक प्रारूप का चयन करना होगा। स्वामित्व के प्रारूप का चयन करते समय उपक्रम का आकार, कार्यक्षेत्र, उत्पादन प्रक्रिया, वित्तीय, प्रबंधकीय एवं तकनीकी आवश्यकता, जोखिम आदि प्रमुख बातों को ध्यान में रखना चाहिए। फिर है स्थान का निर्धारण। उपक्रम की सफलता में उसके स्थान के निर्धारण का भी महत्वपूर्ण हाथ होता है। अतः उपक्रम का स्थान, कार्य की प्रकृति, आकार, बाजार क्षेत्र आदि सभी बातों को ध्यान में रखकर निर्धारित करना चाहिए। किंतु औद्योगिक उपक्रमों के स्थान का चुनाव बाजार की समीपता, कच्चे माल तथा श्रम की सहज उपलब्धि, परिवहन की सुविधा तथा लागत, उपक्रम की विशेष आवश्यकता आदि को ध्यान में रखकर ही करना चाहिए। प्रत्येक उपक्रम का स्थान वही होना चाहिए जहां पर उत्पादन और वितरण की लागतें न्यूनतम आती हों। इसके अतिरिक्त मध्यम एवं लघु आकार के उपक्रमों के लिए सरकार द्वारा औद्योगिक बस्तियां भी बनाई जाती हैं। ऐसी दशा में स्थान के चुनाव में वित्तीय समस्या कम हो जाती है। केवल अन्य संसाधनों की उपलब्धि तथा कच्चे माल तथा बाजार की समीपता को ही विशेष रूप से ध्यान में रखना पड़ता है। आजकल सरकार ने उद्योगों के लिए स्थान नीति भी बना रखी है। पिछड़े तथा बिना उद्योग वाले स्थानों पर उद्योग लगाने पर सरकार बहुत सारी सुविधाएं तथा नकद उपदान भी देती है, सब्सिडी देती है। अतः उद्योगों के स्थान निर्धारण में इन बातों को भी ध्यान रखना चाहिए। फिर है प्रारंभिक अनुबंध करना। जब उद्यमी उपक्रमों के उत्पादों सेवाओं का चयन कर लेता है, वह अपने भावी व्यवसाय के उद्देश्यों, कार्यक्षेत्र तथा आकार को निर्धारित कर लेता है, तो उपक्रम को प्रारंभ करने से पूर्व कुछ प्रारंभिक अनुबंध भी करने पड़ते हैं। तो वो कौन कौन से हो सकते हैं? पहला, जैसे अपन देखें, यदि वह किसी विद्यमान उपक्रम को खरीदना चाहता है तो उसके स्वामी के साथ अनुबंध करना। दूसरा, यदि वह अपना नया उपक्रम प्रारंभ कर रहा है तो भूमि, भवन, कॉपीराइट, पेटेंट आदि के लिए संबंधित पक्षकारों से प्रारंभिक अनुबंध करना। और यदि वह फ्रेंचाइज अधिकार के अंतर्गत उपक्रम प्रारंभ करना चाहता है तो फ्रेंचाइजर के साथ अनुबंध करना। यदि वह साझेदारी में उपक्रम स्थापित कर रहा है तो साझेदारों के साथ अनुबंध करना। यदि वह कंपनी का निर्माण कर रहा है तो अन्य प्रारंभिक सदस्यों तथा अन्य पक्षकारों के साथ प्रारंभिक अनुबंध करना। यदि वह सरकार के साथ संयुक्त क्षेत्र, ज्वाइंट सेक्टर में उपक्रम स्थापित कर रहा है तो संबंधित सरकार के साथ समझौता करना, एग्रीमेंट करना। यदि वह विदेशी सहयोग, फॉरेन कोलैबोरेशन में संयुक्त उद्यम कर स्थापित करना चाहता है तो विदेशी सहयोगी फर्म के साथ भी प्रारंभिक अनुबंध करना। और प्रबंधकीय कर्मचारियों, देशी एवं विदेशी विशेषज्ञों, वैधानिक सलाहकारों आदि से भी प्रारंभिक अनुबंध कर सकता है ताकि उपक्रम की स्थापना के लिए सभी औपचारिकताएं पूरी करने में सुविधा हो सके। तो इस तरह से अपनी आवश्यकता के अनुसार जैसा आकार है उसका और जैसी उसकी आवश्यकता है उसके हिसाब से प्रारंभिक अनुबंध किए जाते हैं। धन्यवाद।